हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर का। हमारा पीछे वाली वीडियो से एक टॉपिक कंटिन्यू चलता आ रहा है जिसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 1 आपको दिया हुआ है, वो आप पहले अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियो से एक क्वेश्चन को हम स्टडी कर रहे थे जिसकी इक्वेशन ये है, उसके बिहाफ पर हमने एक स्टेटमेंट को क्लियर करना है। तो पहले आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाला टॉपिक अब समझ में आने वाला है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 2। हमने पीछे वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करती है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से ज्यादा हो। मतलब हमने जो भी इनको पे करना है उनसे ज्यादा हमारी क्या होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज कर पाती है। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था 80,000 की जगह 2,00,000। अब इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया है कि मान लो एक कंपनी जो एक्स और वाई है दोनों को मान लो 80,000 और 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ना हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है अब तक, ना हमने इसमें से टैक्स माइनस किया है। अब मान लीजिए एक्स और वाई दोनों कंपनी है, एक्स के पास है 10,00,000 की सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर से इन्होंने कोई पैसा रिसीव नहीं किया हुआ है। वाई कंपनी के पास 4,00,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 6,00,000 के डिबेंचर्स कैपिटल है। तो टोटल दोनों कंपनी की कैपिटल अल्टीमेटली क्या है, 10,00,000 10,00,000। ध्यान से देखें तो एक्स कैपिटल ने सिर्फ पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया हुआ है, जबकि वाई कैपिटल ने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर कैपिटल से पैसा लिया हुआ है। अल्टीमेटली दोनों कंपनी के पास 10,00,000 और 10,00,000 रुपए है। दोनों कंपनी को एक साल के लास्ट में प्रॉफिट होता है 80,000 का। प्रॉफिट कितना है, 80,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से ना तो अभी तक हमने इंटरेस्ट माइनस किया है ना टैक्स माइनस किया है, ठीक है। टैक्स की रेट कितनी है, 30%। स्टेटमेंट से पहले आप ये ध्यान से देखिए, इस कंपनी के पास 1,00,000 शेयर है, हर शेयर कितने का है, 10 रुपए का। 1,00,000 शेयर गुना 10 रुपए तो मतलब 10,00,000। इस कंपनी के पास 40,000 शेयर, हर एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो मतलब 4,00,000 रुपए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी इसमें से सही काम कर रही है। एक्स कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, 80,000। वाई के पास भी प्रॉफिट कितना है, 80,000। अब एक्स कंपनी ने तो कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है क्योंकि एक्स कंपनी के पास तो डिबेंचर ही नहीं है। वाई कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करना है, 6,00,000 के ऊपर 10%, 60,000। वाई कंपनी ने 6,00,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे दिया। अब एक्स कंपनी के पास इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो कि था ही नहीं कितना आ गया, 80,000। वाई कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट घटाने के बाद, 20,000। आगे देखिए, अब दोनों कंपनी ने टैक्स कितना कितना पे करना है। अब हम टैक्स माइनस कर देते हैं, 30%, 80,000 का 30%, 24,000, 20,000 का 30%, 6,000, 14,000, और इसको आप घटा देना 56,000। तो ये दोनों कंपनी का क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद एक्स कंपनी की प्रॉफिट, वाई कंपनी का प्रॉफिट। अब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो किसके लिए कमाती है, शेयर होल्डर्स के लिए। अब एक्स कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1,00,000। तो 56,000 को हम 1,00,000 से डिवाइड कर देते हैं। वाई कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 40,000। 40,000 को हम, सॉरी 14,000 को हम क्या करते हैं, 40,000 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम ये देख लेंगे कि दोनों कंपनी को पर शेयर कितनी इनकम हो रही है। इसको हो रहा है 0.56, जबकि अर्निंग पर शेयर हमने दिखाया 56,000 के प्रॉफिट को कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, 1,00,000 से डिवाइड कर दिया। कंपनी हर शेयर के ऊपर कितना कमा रही है,
56 पैसे। अर्निंग हर शेयर होल्डर को कितनी मिल रही है? 56 पैसे। जबकि इस कंपनी में क्या हो रहा है, 14,000 के प्रॉफिट को टोटल शेयर होल्डर्स मतलब 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स से मैंने डिवाइड कर दिया तो कंपनी यहां प्रॉफिट कितना कमा रही है हर शेयर के ऊपर, 0.35 पैसे ही उनके लिए अर्निंग दे पा रही है। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से, तब ही हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाना इनकम में इंक्रीज केवल तभी हो पाएगी। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा है किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से, तब ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज हो पाती है, अदरवाइज उनकी इनकम में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुनिए ये बात मैं आपको क्या बोल रहा हूं। वाई कंपनी ने कितना कमाया है प्रॉफिट स्टार्टिंग में, 80,000, जबकि वाई कंपनी ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है टोटल 10 लाख। 10 लाख के ऊपर वाई कंपनी ने 80,000 का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब है कि वाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, जितना पैसा वाई कंपनी ने लगाया है 10 लाख, उसके ऊपर वाई कंपनी सिर्फ 8% कमा रही है। कितना परसेंट कमा रही है, सिर्फ 8%। अब सोचकर देखिए, कंपनी खुद के लगाए हुए पैसे पर 8% कमाती है, जबकि कंपनी बाहर से किसी से पैसा लेने में बाहर वाले पर्सन को कितना पे करती है, 10%। तो आपको क्या लगता है, आप अर्निंग कमा पाओगे? प्रैक्टिकली से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैंने किसी से 10% पे पैसा लिया, बाहर मैंने इन्वेस्ट किया, वहां से मुझे 8% की कमाई हो रही है, तो क्या हो रहा है मेरे को, 2% का झटका तो मैं ही खा रहा हूं बीच में। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए वहां, नहीं करना चाहिए। क्या मेरे को उससे पैसा इतने में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वाई कंपनी ने क्या किया, 10% के ऊपर पैसा लिया, जबकि खुद कितनी कमाई कर रही है, 8%। तो ये कंपनी जो 8% खुद कमा रही है, 10% बाहर के लोगों को पे करना है, 10% पे करना है, 8% खुद कमा रही है, तो ये कंपनी कभी भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज नहीं कर सकती है। होना क्या चाहिए, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा होनी चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। ये टॉपिक हमने पूरी अच्छी तरह से पीछे वाली वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट 1 आप अच्छे से देखिए, तब आप इन दोनों वीडियोस के अंदर डिफरेंस समझ पाएंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होने का क्या मतलब है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था, पीछे वाली वीडियो के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो यहाँ पे लिया है 2 लाख रुपए के प्रॉफिट का, इस वीडियो के अंदर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है 80,000 के प्रॉफिट का। तो आप दोनों वीडियो एक बार अच्छे से देखिए, कंपैरिजन करके देखिए, फिर देखिए कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमको कम हो रही है, जैसे इस वीडियो में देखो हम कमा रहे हैं 8% पे करना है वाई कंपनी ने जबकि 10%, तो ये कंपनी को क्या करना चाहिए था, डिबेंचर्स होल्डर से डिबेंचर्स लेने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो आप पीछे वाली वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए, दोनों को कंपैरिजन करिए, फिर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रियलिटी में है क्या और कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर काम करना कब बेनिफिशियल रहता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की क्या लिमिटेशंस हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।